हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाने वाले स्टैंडर्ड 11th का पहला चैप्टर दैट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे वन शॉट में, और बेसिक भी कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, बेसिक्स शुरू करते हैं चैप्टर के नाम से ही, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि हम लोग एंगल की बात करने वाले हैं प्लस उसकी मेजरमेंट की बात करने वाले हैं। ओके, सो गाइस, एंगल की मेजरमेंट पहले हम लोग कैसे करते थे? डिग्री के फॉर्म में करते थे। हम लोगों को कुछ ना कुछ थीटा दिया रहा करता था, 68 डिग्री थीटा दे दिया, रेडियस दिया है, बोला एरिया ऑफ सर्कल, ओ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो, रेडियस दे दिया, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, थीटा दे दिया है, बोला इसका लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करो। तो इस तरीके से आपको पहले क्वेश्चन आते थे। बट ये जो डिग्री है ना, ये पुराना हो गया है। अभी आपको एक नई चीज मिलेगी, दैट इज रेडियन। अगर आपने मेरा फिजिक्स का पहला चैप्टर देखा है, मैं फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बाकी सबके वीडियोस भी अपलोड करता हूँ मैथ्स के साथ, ठीक है, और इंग्लिश भी करता हूँ, तो ऐसी गलतफहमी मत रखना, मैं ऑलराउंडर हूँ, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो फिजिक्स का वीडियो देखा तो रेडियन को अच्छे से जानते होगे। नहीं देखा है, इसमें बता देता हूँ। चलो, हम लोग थीटा में मेजर करते हैं डिग्री को, रेडियन में मेजर करते हैं थीटा सी। थीटा सी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, ऊपर बस सी आ जाएगा तो मतलब ये रेडियन है। तो 1.1 में आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे? आपको कहीं पे रेडियन दिया रहेगा, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ज्यादातर रेडियन दिया रहेगा, डिग्री में कन्वर्ट करके आंसर लाना है और रेडियन में ही लाना है। कहीं पे डिग्री से रेडियन करना है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, यही चीजें आपको करनी है प्रैक्टिस सेट 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में। ओके, तो कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। पहली चीज कि हम लोग जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? डिग्री से रेडियन, ठीक है, समझ लो आपको डिग्री दिया है 60 डिग्री और आपको बोला है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई बाय 180 से। तो ये 1, ये 3, तो आपका रेडियन में यही वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 3, दैट इज थीटा सी। और डिग्री में क्या था? ये थीटा था, और थीटा सी कितना मिला? पाई बाय 3। आप लोगों ने देखा होगा, इसलिए रेडियन में ज्यादातर आप लोगों को पाई जरूर दिखता है। बट जहां पे पाए नहीं दिखेगा, समझ लो आपको दिया है 3 रेडियन, तो 3 रेडियन में आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। और 1 रेडियन जो होता है, 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3248। ये चीज याद रखना, कहीं कहीं पे आपको आंसर ऐसा मिल सकता है 5 रेडियन, 3 रेडियन, 3/4 रेडियन, इस तरीके से आपको आंसर मिल सकता है। तो वहां पे ये मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3248 के। अब आप बोलोगे सर ये 1 रेडियन वैल्यू कैसे आई? ऐसे ही आगे मन कर रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 1 रेडियन कैसे आया? ये आया 180 बाय पाई से। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 80 से। जैसे 60 दिया तो उसमें पाई बाय 80 से 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन मिल जाएगा। सेम वही रेडियन टू डिग्री भी देख लो, जब हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाई से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 180 बाय पाई से। सपोज योर रेडियन इज 3 पाई, तो 3 पाई इंटू 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई पाई कट जाएगा, आंसर मिल जाएगा 540 डिग्री। इस तरीके से रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री टू रेडियन में, समझा? एक शॉर्टकट में लिख देता हूँ यहाँ पे, डिग्री से रेडियन में जब कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे पाई बाय 180 से, रेडियन से डिग्री में जब कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 180 बाय पाई से, ठीक है। ये चीज याद रखना आप लोग, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे एक्सरसाइज में यही चीज यूज होने वाली है। और एक कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, वो कॉन्सेप्ट है कोटर्मिनल, पेयर ऑफ कोटर्मिनल। कोटर्मिनल मतलब जब भी आपके एंगल का मेजरमेंट जो है वो 360 या फिर 360 का कोई मल्टीपल आता है, सो इन दैट केस यू कैन से दैट द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। कब? जब कोटर्मिनल मतलब 360 और 360 का मल्टीपल, 360 का मल्टीपल जब भी ऐसा कोई आता है आप लोगों को, तो वहां पे आप लोग बोल सकते हो कि वो पेयर ऑफ एंगल कौन सा है? कोटर्मिनल है, ठीक है। 360 का मल्टीपल मतलब 360 720 1080, इस तरीके से आपको करना है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ छूटता है तो मैं आगे चल के आप लोगों को वो करा दूंगा प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीजें अपनी बुक में लिख लो, बिकॉज ये चीजें आपको यूज होने वाली है। और 1 रेडियन की वैल्यू पता है ना कैसे आई? 180 बाय पाई से। तो 180 बाय पाई करेंगे तो 180 बाय 22 अपॉन 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो 7 अपॉन 22। तो अब इसमें आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, इस तरीके से इसकी वैल्यू आई है। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1, देखते हैं पहला क्वेश्चन।
तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोगों को कि डिटरमाइन करना है कौन सा पेयर को टर्मिनल है, कौन सा पेयर को टर्मिनल नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मूले बता दिए किस तरीके से पता करना है, किस तरीके से पहचानना है। तो 210 डिग्री है ये हम लोगों का ग्रेटर एंगल हो गया, 150 डिग्री माइनस में है तो ये स्मॉलर एंगल हो गया। डिफरेंस का फॉर्मूला मालूम है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर होता है कोई भी चीज हो, कोऑर्डिनेट हो, पॉइंट हो। तो यहाँ पे क्या निकलेगा डिफरेंस, डिफरेंस जब हम लोग निकालेंगे तो ये निकलेगा 210 माइनस माइनस 150, सो इट विल बी 210 प्लस 150, सो इट विल बी 360 एंड देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ एंगल के बीच का जो पेयर है उसका जो डिफरेंस है वो मल्टीपल है 360 का, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 360 है, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। ये स्टेटमेंट आपको सब में लिखनी है, मैं सिर्फ इसमें लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा बनाते हैं वीडियो को। आर कोटर्मिनल, मैं नहीं चाहता कि आपका फालतू का वक्त बर्बाद हो, ठीक है। चलिए 360 है ये है ग्रेटर एंगल, माइनस 30 ये है स्मॉलर एंगल, इसमें फिर से हम लोग डी निकालेंगे मतलब डिफरेंस, तो 360 माइनस माइनस 30 तो ये हो जाएगा 360 प्लस 30 तो ये हो जाएगा 390 डिग्री मल्टीपल ऑफ 360 नहीं है, मतलब इट्स नॉट कोटर्मिनल, ठीक है, ये कोटर्मिनल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया हम लोगों का स्मॉलर एंगल, ये हो गया हम लोगों का ग्रेटर एंगल, तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालू तो हो जाएगा ग्रेटर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल, तो ये हो जाएगा 540 माइनस माइनस 180, तो ये हो जाएगा 540 प्लस 180, तो ये हो जाएगा 540 प्लस 180 720 इज अ मल्टीपल ऑफ 360, ये मल्टीपल है 360 का, देयरफॉर द गिवन पेयर इज कोटर्मिनल, देयरफॉर ये कोटर्मिनल आपका हो जाएगा। इस तरीके से करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले ले, बुक में लिख ले, फिर करते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए गाइस आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ये माइनस 400 पाई, ये हो गया स्मॉलर एंगल और ये हो जाएगा हम लोगों का ग्रेटर एंगल। तो डिफरेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है, डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो 675 माइनस माइनस 405 तो मुझे मिलेगा 675 प्लस 405 तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री। 1080 डिग्री इज अ मल्टीपल ऑफ 360 बिकॉज 363 जा हम लोगों को मिलेगा 1080 डिग्री, देयरफॉर द गिवन पेयर्स आर कोटर्मिनल, ठीक है। अब इसमें ये हो गया ग्रेटर एंगल, ये हो गया स्मॉलर एंगल, तो इसमें हम लोग माइनस करते हैं तो डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, डिफरेंस विल बी इक्वल टू 860 माइनस 580 ये हो जाएगा 280 मल्टीपल ऑफ 360 नहीं है, देयरफॉर इट्स नॉट कोटर्मिनल, ठीक है, आपको पूरे स्टेटमेंट में लिखना है जैसा मैंने पहले में लिखा था। चलिए ये हो गया, अब इसको करते हैं, ये हो गया ग्रेटर एंगल, ये हो गया स्मॉलर एंगल, ठीक है, ऐसा साइन बना लेने का। तो डिफरेंस निकालेंगे तो हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये जाएगा 900 माइनस माइनस 900 तो आंसर मिल जाएगा 900 प्लस 900 आंसर मिल जाएगा फाइनल 1800 डिग्री और ये होता है 360 इंटू 5 जा, देयरफॉर इट्स कोटर्मिनल, इस तरीके से कोटर्मिनल हो गया, ठीक है। चलिए अब करते हैं आगे के क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं था, इवेंचुअली कई सारे कॉन्सेप्ट छोटे हैं, जो सबसे बेसिक था वही मैंने सिर्फ वहां पे बताया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते जाएंगे हम भी कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल्स को ड्रॉ करना है जो मेजरमेंट दिया है उनका, और फिर उनका क्वाड्रेंट जो होगा वो डिटरमाइन करना है। सर आज तक तो हम लोग एक ही एंगल ड्रॉ करना जानते थे, एक लाइन दी रहती थी, यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखते थे, 40 डिग्री बोला तो ऐसे खींच देते थे, यहाँ 40 डिग्री रख के काम खत्म हो जाता था। तो सर अभी क्वाड्रेंट क्या क्या हो रहा है ये पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, बहुत सिंपल है। देखो जब भी आपको माइनस में बोला, पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं, क्वाड्रेंट जो होता है वो एक्स और वाई एक्सिस का होता है, ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एंगल माइनस में दिया रहेगा तो आप लोग शुरू करोगे काउंटिंग यहाँ से, कहाँ से, नीचे साइड से, और जब आप लोगों को पॉजिटिव दिया रहेगा तो आप लोग काउंटिंग ऊपर साइड से शुरू करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला 140 डिग्री तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये 90 हो गया, यहाँ तक इतना क्या हो जाएगा 90 डिग्री बिकॉज ये परपेंडिकुलर रहते एक दूसरे के, और फिर उसके बाद 90 डिग्री के बाद 50 डिग्री यहाँ जाएंगे थोड़ा सा, तो 90 के बाद 50 आप लोग यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के मेजर करना तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा वो एंगल दैट इज माइनस 140 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 1 2 3 तीसरे क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब समझे इसको कैसे करना है, कैसे पहचानना है, बहुत ही डाउट रहता है बच्चे लोग को, माइनस 140 अगर यहाँ से बना देते तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता, दैट विल बी रॉन्ग, थर्ड क्वाड्रेंट में आया क्योंकि माइनस का यहाँ से बनाया जाता है नीचे साइड से, पॉजिटिव होता तो ऊपर साइड से, ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो और अच्छे से समझोगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 250 डिग्री, अगला क्वेश्चन है 250 डिग्री। अब 250 डिग्री को कैसे ड्रॉ करोगे, चलो यहाँ पे मैं एक्सिस बना लेता हूँ, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया वाई, 250 डिग्री मतलब ऊपर साइड से क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ आई शुड टेक अ डिफरेंट मार्कर फॉर दिस,
तो 290 डिग्री यहाँ हो गया, फिर ये 180 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पे 70 डिग्री तक जाऊंगा तो ये हो जाएगा 250 डिग्री टोटल, क्योंकि घूमते हुए आना पड़ेगा, ठीक है। इवेंचुअली आप लोगों का 70 डिग्री होगा, क्योंकि 90 90 180 यहाँ तक, फिर उसके बाद ये 70 180 प्लस 70 हो जाएगा 250। कौन से क्वाड्रेंट में आया? ये आया थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। सेम थिंग यहाँ पे भी होगी, ये आपका माइनस 140 की जगह होगा 50 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 90 था और यहाँ 50। माइनस में क्यों है? क्योंकि पीछे साइड से वो घूम के आया है। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ऊपर साइड से घूम के गया है, ठीक है। अभी और बड़े बड़े एंगल आएंगे तो और थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ेगी। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों का 420 डिग्री। अब 420 डिग्री तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स से आ गया, कैसे करेंगे इसको? चलिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश प्रोटेक्टर रख के आपको बनाना, ये चीज याद रखना। 420 डिग्री बोला है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 90 90 का मल्टीपल लेते हैं, ठीक है। तो 420 90 से तो जाता नहीं है, 94 या 360 होता है, और पूरा जो एक्सिस होता है वो भी 360 का होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करें, सर्कल बना रहे हैं, और सर्कल का आर्क जो होता है टोटल वो 360 होता है, ठीक है। तो 420 है तो मतलब मुझे दो राउंड लेना पड़ेगा, दूसरे राउंड में मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा। पॉजिटिव है तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, योगे 90, योगे 180, योगे 270, योगे 360 और ये 60। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 60 डिग्री पे मुझे मिलेगा 420 डिग्री, और ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों को ड्रॉ कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफी इजी है सब, बस समझना है। तो गाइस यहाँ पे चौथा हम लोगों का बोला है 750 डिग्री। धीरे धीरे ये वैल्यूज अब बढ़ती जा रही है, ठीक है। 750 बोला है, 360 का मल्टीपल देखें तो 362 जो होता है वो 720। मतलब यहाँ पे दो राउंड घूमने के बाद हम लोगों को आंसर मिलेगा, और ये हम लोग ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट बनेगा। बाय द वे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगा। चलो चेक करते हैं, ये हो गया एक्स वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। काफी ज्यादा छोटा हो गया, इवेंचुअली मैं थोड़ा इसको यहाँ लेना चाहता था। चलिए एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, ऐसा आपको एक्सिस बनाना है। और फिर उसके बाद प्रोट्रैक्टर से पहले एक राउंड लोगे राउंडर से, तो ये हो गया 360। फिर उसके बाद एक राउंड लोगे तो ये हो गया 720। फिर 30 डिग्री, क्योंकि 750 में से मैं 720 माइनस करूं जो कि मैं ले चुका हूं, तो मुझे मिलेगा 30 डिग्री। मुझे 30 डिग्री और जाना है, थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे मिला जाएगा 750 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री के इक्वल होगा। और ये मिला मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ मिला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है, द एंगल 750 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरीके से आप लोगों को नीचे स्टेटमेंट में भी लिख देना है, ताकि आपके मार्क्स कटने के बिल्कुल भी चांसेस ना रहे। अब यहाँ 945 डिग्री बोला है, मतलब यहाँ पे भी दो राउंड लेना तो निश्चित है। चलो एक राउंड लेंगे 360, दूसरा राउंड लिए 720। अब 945 में से 720 माइनस करते हैं, 945 माइनस 720 आई विल गेट 522। 225 और जाना है, 90 180 75 डिग्री पे मुझे मिल जाएगा 225, ठीक है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में मिला? थर्ड क्वाड्रेंट में। नहीं समझा? दो राउंड लिए 720 यहाँ रुका, फिर मुझे मिल रहा था 225, तो 90 डिग्री और बढ़े, 90 डिग्री और बढ़े, हो गया 180। अब 225 180 में कितनी और दूरी है? 225 और 180 में अभी कितनी और दूरी है? 45। तो 45 डिग्री और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। 45 है तो 45 यहाँ से मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में मिल गया, ये हो गया 945। अब 1120 की बात करते, 360 के मल्टीपल्स अगर हम लोग देखें तो 1080 तक जाता है ये, इसकी बात करें। मतलब तीन राउंड यहाँ पे लेना होगा, उसके बाद करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो तीन राउंड लेते हैं, एक राउंड 360, दूसरा राउंड 720, तीसरा राउंड 1080, चौथा राउंड 40 डिग्री पे मिल जाएगा मुझे 1120। और ये कहाँ मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देयरफॉर द एंगल, ये आपको लिखते चलना है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यू डॉट। अब माइनस 80 डिग्री है तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। माइनस 80 डिग्री मतलब कुछ यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, देयरफॉर द एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आया सर? क्योंकि माइनस में था तो यहीं से शुरुआत करनी थी, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब तीन क्वेश्चन और बचे, उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा आपको एक्सिस बना के पहले गोला तो अपने पेंसिल से ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद जो बचेगा 75 डिग्री 45 डिग्री 35 डिग्री उसको प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करना है, ओके। नाउ वी विल गो टू द अदर सम्स। चलिए गाइस अब बाकी सम देख लेते हैं, 8वां माइनस 330 डिग्री। अब इसमें कितना भी हार्ड दे दो हम लोगों के लिए इजी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं कैसे बनाना है। ये वाई, ये वाई डैश, ये है एक्स, ये है एक्स डैश। तो माइनस 330 डिग्री बोला, मतलब यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 90 180 270, और यहाँ पे आ जाएगा 330 डिग्री। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? देयरफॉर द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? पहले में। 500 बोला है, वो भी माइनस में। माइनस में बोला मतलब कहाँ से शुरुआत करेंगे? यहाँ से 90 180 270 360 और फिर
450 यहाँ आ जाएगा, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -500 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर ये -820 डिग्री, मतलब दो राउंड तो कंप्लीट ही करना पड़ेगा, 90, 180, 270, 360, 720, और -180 ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। बहुत ही इजी सम था, मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, बट सब इजी है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री एंगल्स इनटू रेडियन। ठीक है, जो भी हम लोगों को दिया है उसको हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। 85 डिग्री है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा। 250 डिग्री है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा। -132 है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं कर पाओगे, कर ही देता हूँ। चलो 517 जा, 536 जा, तो ये हो जाएगा 17 पाई बाय 36। 1018 जा, 1025 जा, तो ये हो जाएगा 25 पाई बाय 18। ये -132 और 184 से डिवाइड करो, 445 जा, और ये हो गया -3 और 3 जा। ठीक है, फिर इसको 3 से डिवाइड करो, 315 जा, 311 जा, तो ये आ गया -11 पाई बाय 15। ठीक है, इस तरीके से तीनों को कन्वर्ट करना, फटाफट आप भी कर लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। क्यों? क्योंकि रेडियन जो होता है वो डिग्री से बिल्कुल अलग होता है, उसमें पूरा मेजरमेंट आ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे साइन इंडिकेट करने की जरूरत नहीं रहती है कि ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे 11 पाई बाय 15 लिखो, साइन मत लगाओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडियन। आइए गाइस आगे के क्वेश्चन करते हैं, अभी रेडियन में कन्वर्जन वाले। तो पहले तीन क्वेश्चन तो एकदम हलवा था, सिंपल था, कर लिया आप लोगों ने। अभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो 65 डिग्री 30 मिनट बोला है, मतलब यहाँ पे डिग्री में भी है मिनट में भी है, तो जो डिग्री होता है एक डिग्री वो होता है 60 मिनट के बराबर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो 30 मिनट है इसको अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको डिवाइड करना होगा 60 से। तो मैं अगर 30 को 60 से डिवाइड करूंगा तो 1/2 आएगा, मतलब 0.5 आ जाएगा, तो 65.5 मिलेगा मुझे, ये होगा असली डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ पाई बाय 180 से। चलिए पॉइंट है यहाँ पे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि पॉइंट कैंसिल हो जाए, तो मुझे मिलेगा 655 पाई अपॉन 1800। अब इसको कैंसिल करते हैं, किससे करें, 5 से करते हैं, 5 1 5 5 1 5 5 3 15 5 1 5, और ये हो जाएगा 5 360। चलिए तो ये आंसर मिल गया 131 पाई अपॉन 360। ठीक है, क्या है ये, रेडियन है। अब 75 डिग्री 30 मिनट है तो 75.5 लिख लेंगे सेम इसी की तरह। अब इसको कन्वर्ट कर दो पाई बाय 180 से, तो ये हो जाएगा 755 अपॉन 1800 पाई। 5 से काटो, 5 1 5 5 2 25, और 5 1 5 ये हो गया 360। ठीक है, तो 151 पाई अपॉन 360 रेडियन आपको आंसर मिला है। इसका भी फाइंड कर लेते हैं, 40 डिग्री 48 है, 48 को 60 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 412 जा अपॉन 415 जा 34 जा 35 जा, आंसर आ जाएगा 0.8। तो 40.8 डिग्री हो जाएगा इंटू पाई बाय 180 है, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 408 पाई अपॉन 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 से कैंसिल हो रहा है तो काट दो, 4 1 4 4 0, और ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 0, और किसी से 2 से कैंसिल हो रहा है, 251 जा, और ये 225 जा, तो आंसर मिल जाएगा 51 पाई अपॉन 225। ठीक है, ये 5 आएगा तो 251 पाई अपॉन 225 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में लिख ले तो और बेहतर है। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज, रेडियन में दिया है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला 7 पाई बाय 12, तो मैंने बताया है कि रेडियन से डिग्री कैसे करना है, डिग्री से रेडियन कैसे करना है। ओके, तो रेडियन से डिग्री कैसे करना था, 7 पाई बाय 12 है तो 180 बाय पाई से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 62 जा, ये 630 जा, 21 जा, 215 जा। ठीक है, तो आंसर मिल गया 57 जा 105 डिग्री। आगे बढ़ते इसको भी करते, 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 360 जा, -300 डिग्री। इसको करते 5c, एक रेडियन इक्वल होता है 57.3248, तो 5 रेडियन इक्वल होगा 57.3248, मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। अब करते हैं आगे के क्वेश्चन। आइए गाइस आगे के क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोला 11 पाई बाय 18, तो इसको कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन पाई से। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, पाई पाई कैंसिल, 18 10 जा, तो 110 डिग्री आ गया इसका। ये तो मालूम ही होगा, -1/4 इंटू 57.3248, काट दो इसको, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 2,
आगे आपका आंसर -14.3312, ठीक है। इसको आगे मिनिमाइज करोगे, ये डिग्री में है आपका, बट यहाँ पॉइंट के बाद लोगों को जब आप लोग मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट करोगे कैसे करते हैं सर मिनट में कन्वर्ट? चलो अगला क्वेश्चन वही सीख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री मिनट एंड सेकंड, सर ये कैसे कन्वर्ट करते हैं? वही क्वेश्चन है, वही सीख रहे हैं। चलो 183.7 डिग्री है, ठीक है, 183.7 डिग्री है, तो जो 0.7 है उसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद भी अगर डेसिमल पे कुछ बचता है तब उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। मिनट रहेगा तो एक कॉमा दिखाओ, इन्वर्टेड कॉमा, और सेकंड रहेगा तो दो दिखाओ, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो 183.7 को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे 183+0.7, और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये कन्वर्ट होगा। तो मुझे आंसर मिल जाएगा 183+60 को अगर मैं 0.7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7000, 7 42 00, मुझे आंसर मिला 42, ये हो जाएगा 42, ठीक है। तो 183 degree 42 minute इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, समझे। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया 245.33, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 245+0.33, इसको पहले 60 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि यहाँ से डेसिमल जो है वो साफ हो जाए। चलिए करते हैं 60 × 33, 3000, 3 6 18, 3000, 3 6 18, ठीक है। तो मुझे आंसर मिला 0891, और डेसिमल दो नंबर के बाद था, ठीक है, यहाँ पे 0.33 है तो दो नंबर के बाद यहाँ पे भी आ जाएगा, तो मुझे मिला 19.8। अब 19 तो मुझे मिल गया, मतलब 245 डिग्री 19 मिनट तो हो गया, बट जो प्लस 0.8 सेकंड बच रहा है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बोला ना जब तक डेसिमल हट नहीं जाता 60 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 68 जो होता है 48, ठीक है। तो करके दिखा देता हूँ, देखो 60 × 0.8, 8000, 8 6 48, 00, तो यहाँ पे दो नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो मुझे आंसर मिलेगा 245 degree 19 minute 48 second, ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। अब लास्ट वाला तो और भी ज्यादा इजी है, और देखो यहाँ पे तीसरा था तो रेडियन में है, तो सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/5 × 57.3248, अब इसको काटो भाई, 5 11 जा 55 फिर 23 4, फिर 23 में से 3 इधर गया 6, तो इधर आएगा 96, ठीक है, इस तरीके से 11.4696 आपको मिलेगा। अब इसको लिखो 11+0.4696 × 60, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद जो आता है उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, और लास्ट में आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा, ओके। तो आपको मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ, 11 degree 27 minute 5 second, ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत ही रफ्तार से होंगे और बहुत इजी एकदम सिंपल है, गारंटी देता हूँ। आइए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवे क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल है जिसका मेजर एंगल ए इतना रेडियन है, मेजर एंगल बी इतना डिग्री है, मेजर एंगल सी को फाइंड करो डिग्री में भी रेडियन में भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो डिग्री में सबको कन्वर्ट कर लें और आंसर डिग्री में लाएं, फिर जो आंसर आएगा उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। आइदर वी हैव सेकंड ऑप्शन दैट वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन एंड वी कैन फाइंड, बट हम लोगों ने क्या सीखा है कि तीनों साइड का जो मेजरमेंट होता है ट्रायंगल का वो 180 डिग्री होता है, सीखा है ना हम लोगों ने लास्ट ईयर से, सेकंड लास्ट के सालों से सीख रहे हैं, सेवेंथ से सीख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन कैसे यूज करेंगे, रेडियन कितना होगा टोटल ट्रायंगल का, टोटल ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है 180, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180, तो 180 कट जाएगा, तो टोटल ट्रायंगल का जो मेजरमेंट होगा वो होगा पाई। दोनों मेथड से कर देता हूँ, जो मेथड पसंद आएगा वो यूज कर लेना, ठीक है। इवेंचुअली यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है कि आपको डिग्री में भी फाइंड करना है रेडियन में भी, तो मैं पहले डिग्री में फाइंड करता हूँ फिर रेडियन में भी, दोनों मेथड में से जो अच्छा लगे वो कर लो। एंगल ए बोला है 7π/36, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 180 बाय पाई से 36 5 जा, तो ए हो गया 35 डिग्री। आपका एंगल बी जो है वो 120 डिग्री ऑलरेडी दिले आ है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री, हम लोग बचपन से जानते हैं, ठीक है। एंगल ए निकला है 35, एंगल बी निकला है 120, एंगल सी निकालना है 180, तो ये हो गया 155 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 155, तो एंगल सी मुझे मिल जाएगा
25 डिग्री। इजी था, मजा आया करके। चलो अब हम लोगों को अगर इसे रेडियन में फाइंड करना हो तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो रेडियन में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे एंगल बी को तो मुझे मिलेगा, इवेंचुअली आप लोगों को एक ही मेथड यूज करना है, ऐसा मत समझना कि सर रेडियन में एक बार डिग्री में एक बार, यहाँ डिग्री में मिला ना इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? 25 इंटू 5 बाय 180, 5 से डिवाइड कर दो, 5 जा 5, 3 जा 6 जा, तो 5 pi/36 आएगा इसका मेजरमेंट रेडियन में और 25 डिग्री आएगा एंगल डिग्री में, ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। ये 120 है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, मतलब 5 by 180, तो 2 by 3, मतलब 2 pi/3 हो जाएगा एंगल बी, एंगल ए हो जाएगा 7 pi/36, और एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है, एंगल सी फाइंड करना है हम लोगों को। तो पूरे ट्रायंगल का मेजरमेंट मैंने बताया पाई होगा, कैसे होगा वो भी बताया, तो ए बी सी का निकालते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे लिख दो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इन रेडियन इज पाई। एंगल ए कितना है? 7 pi/36, एंगल बी है 2 pi/3, एंगल सी मालूम नहीं, और ये पाई ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 12 से, तो ये हो जाएगा 7 pi + 24 pi / 36 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई। 24/7 ये हो जाएगा 31 pi/36, पाई को ये साइड लेकर आ जाओ, इक्वल सी लिख दो। अब पाई पाई काटो, ठीक है, 31 pi और 36 pi इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो हम लोगों को मिलेगा 36 pi - 31 pi / 36। साइन का कोई मैटर रहता नहीं है, 31 pi - 36 pi लिखते माइनस आता तो भी चलता, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 5 pi/36, तो ये भी 5 pi/36 आया, ये भी 5 pi/36 आया। दोनों मेथड यूज कर सकते हो, रेडियन से निकाला है, रेडियन में निकला है, बट अभी डिग्री में भी फाइंड करना है क्योंकि इधर बोला है, तो डिग्री में कन्वर्ट कर दो। 5 pi/36 को 180 pi से मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री मिल जाएगा, 5 pi कट गया और 5 36 5 जा, और ये 5 बचा था, तो आंसर आ गया 25 डिग्री। नहीं समझा, एक बार और देखो, 5 pi/36 इंटू 180 pi, तो pi कट गया, 36 5 जा, तो 5 जो 25, वही तो मिला हम लोगों को डिग्री में भी। तो आप लोग डिग्री में कन्वर्ट करके फाइंड कर सकते हो, डिग्री में आंसर आएगा, रेडियन में कन्वर्ट करो, या रेडियन में कन्वर्ट करके फाइंड करो, रेडियन में आंसर आएगा, डिग्री में कन्वर्ट करो अगर बोला है तो, एक ही में बोला है तो एक ही में फाइंड कर लो। कौन सा मेथड इजी लगा? मुझे लगता है ये इजी लगा होगा क्योंकि डायरेक्ट हो गया, इधर पाई में थोड़ा बवाल हो जाता है, ठीक है, तो ये मेथड अप्लाई करो, ज्यादा इजी है। चलिए बाकी के क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड से करते हैं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए था। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को बोला है 2 angles are 5 pi/9 and 5 pi/18, तीसरा एंगल फाइंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रेडियन में है, तो हम लोग डायरेक्टली रेडियन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई, आइदर यू कैन यूज द डिग्री फॉर्मूला, बट उसके लिए सबको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सा इजी लग रहा है, रेडियन से कराऊं डिग्री से कराऊं? एक बार फिर से दोनों मेथड से करा दूं? चलो दोनों मेथड देख लो, फटाफट कराऊंगा, ठीक है। पहले डिग्री वाला मेथड देख लो, डिग्री वाला देखे तो एंगल ए को हम लोग पहले ट्राइंगल का नाम अज्यूम कर लो, लेट द ट्राइंगल बी ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए इसमें हो जाएगा 5 pi/9, 5 pi/9 को मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो 180 pi हो जाएगा, 5 कैंसिल, 920 जा, तो एंगल ए मिल जाएगा 100 डिग्री। अब मुझे एंगल बी फाइंड करना है, एंगल बी है 5 pi/18, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 180 pi/5 से ताकि डिग्री में कन्वर्ट हो, 5 pi/18 10 जा, तो एंगल बी मिल गया मुझे 50 डिग्री। अब इसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी में क्या लिखना है आप सभी को मालूम है, एंगल ए 100 डिग्री है, इंक थोड़ी खत्म हो रही है अभी यूज करता हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री - 150 डिग्री, इन दोनों का एडिशन, तो एंगल सी मिल जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 30 × π/180, तो 36 या 31 जा, तो π/6 आपको इसका आंसर मिल जाएगा रेडियन में, और ये था डिग्री में। अब रेडियन में ही फाइंड करना है तो वो भी देख लो, ठीक है। दो अलग अलग मेथड है, एक आपको यूज करना है, या तो ये करो या तो ये करो, दोनों नहीं करना है। तो 5 pi/9 + 5 pi/18 + angle C मैंने डायरेक्ट लिख दिया इज इक्वल टू पाई, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई, ऐसा लिखना है आप लोगों को। चलिए ये यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2 से ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो 10 pi + 5 pi / 18 + angle C इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा 15 pi / 18 - pi इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल सी वहां जाएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एंगल सी। अब कर लो 15 pi - 18 pi / 18 इज इक्वल टू माइनस एंगल सी, ठीक है, ये आ जाएगा -3 pi / 18 इज इक्वल टू -angle C, माइनस माइनस कट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो आंसर मिल गया π/6, ठीक है। रेडियन से करो, डिग्री से करो, दोनों से करो,
जिससे जमता है उससे करो, एक ही मेथड से करो, डिग्री से, ठीक है। अब इसको डिग्री में, रेडियन में मिला है, डिग्री में कन्वर्ट कर लो, पाई बाय 6 इनटू 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, 630 जा, तो मुझे 30 डिग्री मिल गया डिग्री में, 30 डिग्री मिला था डिग्री में, ठीक है। इस तरीके से करना है दोनों मेथड से, अच्छा लगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 कर लेते फटाफट। चलिए गाइस, हम लोगों का सातवां क्वेश्चन बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दो एंगल रेशियो में है 4:5 में, तो वो एंगल्स कितना उनका लेंथ मेजरमेंट होगा डिग्री में प्लस रेडियन में, दोनों हम लोगों को फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल को अज्यूम कर लेते हैं, समझ लो ये वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसका नाम है ए बी सी और ये राइट एंगल, लेट द राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। लेट द राइट एंगल्ड ट्राइंगल बी ए बी सी, ठीक है, बी ट्राइंगल ए बी सी हो गया, तो इसमें एंगल भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, और जो एंगल ए और एंगल सी का रेशियो है वो 4:5, एक एंगल मिल गया, दो एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। इस रेशियो में हम लोग कॉमन मल्टीपल अज्यूम कर लेते हैं, लेट कॉमन मल्टीपल ऑफ द रेशियो बी एक्स, इसका रेशियो जो है इसको हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं, तो एंगल ए हो जाएगा 4x, एंगल बी हो जाएगा 5x और एंगल एंगल सी हो जाएगा 5x, एंगल बी तो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये तीन मिल गए, अब लगा देते फॉर्मूला, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सभी एंगल को जोड़ के कितना मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए हो जाएगा 4x, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4x 5x 9x और 90 वहां चला जाएगा तो माइनस में, 9x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 डिग्री। ये तो डिग्री में मिला हम लोगों को x की वैल्यू, एंगल ए है 4x तो 4 × 10 एंगल ए हो जाएगा 40 डिग्री, एंगल बी है 5x तो 5 × 10 एंगल बी हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 40 × π/180, तो 10 से काट दो 10 जा और ये 45 जा, तो ये हो गया 10π/45, ठीक है। इसको भी काट दो 50 × π/185 से काट दो, 536 जा, 510 जा, तो ये आ गया 10π/36, ठीक है। इस तरीके से दोनों वैल्यूज आपको मिल जाएगी, बहुत ही आसान सम है, आई होप कि आपको सम अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी एंगल भी तो 90 डिग्री है ही। तो इसके साथ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ, वीडियो अभी भी चालू है, बाकी क्वेश्चन भी फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और बचे हुए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि दो एंगल हैं जिनका सम है 5π और उनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो फर्क है, वो है 60 डिग्री का, और एंगल फाइंड करना है डिग्री में, मतलब इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5π जो है सम उसका, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो 180π हो जाएगा, 185 जा कितना होता है, 185 जा 90, तो 185 जा 900 डिग्री, और डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री है। तो हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, देखो कैसे। यहाँ पे लिखेंगे लेट द ग्रेटर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी, एंगल वाई इसको ले लो, एंगल एक्स इसको ले लो, ठीक है। तो पहले बोला है सम, मतलब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 900 डिग्री, यहाँ पे बोला है, और फिर उसके बाद डिफरेंस, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या बोली है, एंगल एक्स माइनस एंगल वाई, ग्रेटर एंगल एक्स है, मतलब एक्स में से वाई जाएगा तो मिलेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब दोनों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन गए, योग इक्वेशन 1, योग इक्वेशन 2, यहाँ पे कर दो एडिंग, पिछले साल 1.1 में किया, पिछले के पिछले साल 5.1 में किया, और अब भी नहीं आ रहा है तो भाई शर्म की बात है, वाई वाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 एंगल x, चलिए एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, और ये हो गया 960 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x विल बी इक्वल टू 960/2, तो एंगल x आपको मिल जाएगा 480 डिग्री, ठीक है। ये किसी क्वाड्रिलेटरल का, किसी ट्राइंगल का मेजरमेंट नहीं है, इसीलिए ये वियर्ड आंसर है, बट आप लोग इस पे भरोसा करो, ये पूरा रिलायबल है। कुछ ज्यादा बच्चे जो स्मार्ट रहते हो बोलते हैं ट्राइंगल 180 का होता है, 480 कैसे आ गया, भाई ये एंगल बोला है, कहीं भी बोला है कि ये ट्राइंगल का मेजरमेंट है, नहीं ना, तो ये करेक्ट है। और दूसरा एंगल वाई फाइंड करना, इसमें पुट कर दो, तो एंगल एक्स माइनस एंगल वाई इज इक्वल टू 60 था, तो 480 माइनस वाई इज इक्वल टू 60 हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू 60 प्लस, y को उस साइड भेजो और 60 को ये साइड लेकर आओ, तो 480 माइनस 60, तो एंगल y विल बी इक्वल टू 420 डिग्री। क्रॉस चेक करना है कर लो, 420 और 480 दोनों के बीच में गैप कितना है, 60 डिग्री का, दोनों को प्लस करे तो कितना आता है, 900 डिग्री, मीन्स योर आंसर इज टोटली करेक्ट। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम नहीं दिया तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ABC है,
तो उसमें ए टू बी टू सी क्या है, 3:7:8 है। तो हम लोगों को तीनों का वैल्यू रेडियन में भी फाइंड करना है, डिग्री में भी फाइंड करना है। तो पहले हम लोग डिग्री में ही फाइंड कर लेते हैं। ये रेशियो है, इसका कॉमन मल्टीपल लेट देयर कॉमन मल्टीपल बी एक्स ले लेते हैं। रेशियो वाला हम लोगों ने किया है ना, तो आप लोगों को अच्छे से आता होगा। कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं हम लोग एक्स। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यू नो द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, एंगल ए हो जाएगा 3x, एंगल बी हो जाएगा 7x, एंगल सी हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 बाय 18, x इज इक्वल टू 10 डिग्री। नाउ वी विल फाइंड द अदर एंगल्स। एंगल ए इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा। एंगल बी 7x था तो 70 डिग्री हो जाएगा, एंगल सी 8x था तो 80 डिग्री हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लो, 80, 70, 150 प्लस 30, 180 आ रहा, मतलब आंसर टोटली करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, स्पीड थोड़ी बढ़ा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को एपी वाली दुनिया में लेकर गया है। याद है ना, 3.3 में हम लोगों ने लास्ट ईयर सीखा था कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म रहे तो क्या लेने का, 4 कंसेक्यूटिव टर्म रहे तो क्या लेने का, याद है ना? तो वही बोला है कि ट्रायंगल के 3 एंगल है जो कि एपी में है, मतलब 3 कंसेक्यूटिव टर्म। तो यहाँ पे लेट द एंगल्स, तो हम लोगों को एंगल्स को अज्यूम करना पड़ेगा। तो वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म हम लोग क्या लेते थे, ए माइनस बी, ए ए प्लस डी, इसी तरीके से लेते थे ना। और क्या बोला है, ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन बोला है ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। अब ए प्लस डी, ए ए माइनस डी में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ए प्लस डी है। मतलब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है दैट ए प्लस डी इज मतलब इक्वल 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब ए माइनस डी, ठीक है। तो आप लोगों को पहले तीनों को ऐड करके 180 डिग्री लेकर सॉल्व करना है और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहली कंडीशन है, बता क्यों रहा हूँ, आखिर मुझे ही तो करना है। चलो कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी नाम ले लो, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू ए माइनस डी, एंगल बी इज इक्वल टू ए, एंगल सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। ऐड कर दो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए हो जाएगा ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। डी डी कैंसल हो गया, 3 ए इज इक्वल टू 180 डिग्री आंसर आ गया। तो ए इज इक्वल टू 180 बाय 3 आ गया, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको फाइंड कर सकते हैं। अब इस कंडीशन में रख दो तो डी मिल जाएगा। ए कितना है, 60 प्लस डी इज इक्वल टू 5, 60 माइनस डी, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है बट बीच में माइनस आ रहा है, छोड़ो ऐसे ही कर लेते हैं। 60 प्लस डी इज इक्वल टू 560 या 300 माइनस 5d। 300 को ये साइड लेकर आओ, 60 माइनस 300 इज इक्वल टू माइनस 5d माइनस डी, तो हो गया माइनस 240 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 6d। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 240 अपॉन 6 इज इक्वल टू डी, तो डी इज इक्वल टू हो गया 640 या 40 डिग्री, ठीक है। 40 आया सिर्फ, एंगल ए आया है 60 और एंगल डी आया है 40, सॉरी डी आया है 40, ए आया है 60। एंगल अभी नहीं मिला है, एंगल इसमें रखेंगे तो मिलेगा। एंगल ए क्या था, ए माइनस डी, तो यहाँ पे लिखो एंगल ए इज इक्वल टू ए माइनस डी। ए मिला है 60, डी है 40, तो 60 माइनस 40 एंगल ए था 20 डिग्री। एंगल बी था ए, ए कितना मिला है 60 डिग्री, तो एंगल बी है 60 डिग्री। एंगल सी था ए प्लस डी और ये मिला है 60 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। भरोसा नहीं हो रहा है आंसर पे, मैच कर लो। 25 का क्या होता है, 100, ग्रेटेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फोटो खींच लो भाई वरना नोटबुक पे लिख लो तो और बेटर है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अरे यार, पिछले साल का पहले एपी आ गया, पिछले साल का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, आपने तो पढ़ाई की नहीं थी अच्छे से पिछले साल, की थी तब तो ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा, तो आपको आंसर मालूम रहना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जो बेसिक रहता है ना, 10th 9th का जो 11th में काम आता है, इसलिए आप लोग उसको तैयार रखा करो। अगर आप लोगों ने 10th को हल्के में लिया होगा तो ये सम भी आपको हल्के में लेके 0 मार्क्स दे देगा। अगर आपने 10th को एकदम अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो इसका आंसर आता होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर जो रहता है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, वाह क्या सर्कल बनाया है। चलिए इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल आया ना, ये हम लोगों का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें बोला दो एडजेसेंट एंगल, मतलब ये 40 डिग्री है और ये पाई बाय 3 है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की विशेषता क्या होती है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट एंगल को ऐड करोगे तो सप्लीमेंट्री होते हैं। 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 मिलेगा, तो ये एंगल मिल जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। आंसर अभी नहीं लिखता हूँ, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इसको नाम दे दो ए बी सी डी। लेट द क्वाड्रिलेटरल बी
ABCD, ठीक है, उसका नाम हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एंगल ए है इसमें पाई बाय 3, एंगल डी है हम लोगों का 40 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल मतलब बाजू बाजू के ये दोनों। हम लोग थ्योरम यूज करते हैं भाई प्रॉपर्टी, पहले एंगल ए और एंगल सी, पहले एंगल ए को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा 360 जा, तो एंगल ए मिल गया मुझे 60 डिग्री, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री, और यू कैन राइट सप्लीमेंट्री। एंगल ए मिला है 60 डिग्री, एंगल सी फाइंड करना है इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो एंगल सी मिल जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। चलिए गाइस आगे करते हैं, तो एंगल डी प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा क्यों, ऐसा यूं, ठीक है। एंगल डी हम लोगों को मालूम है 40 डिग्री, और एंगल बी हम लोगों को मालूम नहीं है, और इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल बी मिल जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, काफी इजी समता, जीरो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ वरना बोलोगे 14 डिग्री लिखा है सर। चलिए इस तरीके से इसको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक में लिख लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए, फिर करते 12th क्वेश्चन। तो गाइस लास्ट वाला क्वेश्चन आपको रेडियन में भी फाइंड करना था, मैंने देखा नहीं, तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेना जो आंसर आया, ठीक है, इतना कर सकते हो। इसको भी रेडियन और डिग्री दोनों में फाइंड करना है। क्या है इवेंचुअली, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम नहीं दिया है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, नहीं दिया है, सिर्फ बोला है एक उसका जो एंगल है वो 2π/5 है, और उसका बाकी का रेशियो में 2:3:4 में, तो वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे आ जाएगा। देखो पहले नाम ले लेते हैं, सोलन, लेट द क्वाड्रिलेटरल बी क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ABCD नाम दे दो, और एंगल ए को ले लो 2π/5, डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो 180 बाय पाई, पाई पाई कट जाएगा 536 जा, तो एंगल ए मिल जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी, एंगल बी इज टू एंगल सी इज टू एंगल डी हो जाएगा 2:3:4, ठीक है। अब पूरा क्वाड्रिलेटरल का मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री, तो वही मेथड अप्लाई कर लो। यहाँ पे डायरेक्टली लिखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, 180 में बोल रहा हूँ। यहाँ पे रेशियो में है तो इसका कॉमन मल्टीपल ले लो, लेट देयर कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ठीक है, तो एंगल बी हो जाएगा यहाँ पे 2x, एंगल सी हो जाएगा 3x, एंगल डी हो जाएगा 4x, ठीक है, और ये कितना है 72, तो 72 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2, 3 और 4 कितना होता है 7x इज इक्वल टू 360 माइनस 72, तो 7x इज इक्वल टू 288 डिग्री आ गया, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 288/7 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों का 9x होगा, ठीक है, इसलिए मैं सोचूं कि डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है, तो 9, तो यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, अब 9 से डिवाइड कर दो, 9 3 7 27, 9 2 18, तो x इज इक्वल टू 32 डिग्री आपको मिल गया। अब वैल्यू रख दो, एंगल 2 था 2x, मतलब 2 into 32, ये था 3x मतलब 3 into 32, ये था 4x मतलब 4 into 32, 32 2 64 डिग्री, 32 3 96 डिग्री, 32 4 108 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, काफी इजी है, और 32 4 108 नहीं होता है, एक मिनट लेट मी फाइंड आउट, 4 2 8 3 12, 128 डिग्री होता है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो इस तरीके से 72 64 96 128, डाउट है, चलो रेशियो फाइंड कर लो, इन तीनों का रेशियो जो है वो 2:3:4 आना चाहिए, ठीक है। चलो 64/96/128, 4 से डिवाइड करो, 4 16 जा 4 24 जा 4 32 जा 8 2 जा 8 3 जा 8 4 जा, 2:3:4 वही आ रहा है ना, मतलब करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है, फटाफट करते हैं और एक्सरसाइज फाइनली कंप्लीट करते हैं। चलिए गाइस हम लोग इसको साथ में एकदम करने वाले, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। बोला है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो, ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, मैंने लिखा नहीं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल मतलब अंदर का, और ये रेगुलर बोला है, रेगुलर मतलब क्या, कि सारे एंगल्स कॉन्ग्रेंट रहेंगे, ठीक है। पेंटागॉन होता कैसा है, तो गाइस यहाँ पे पेंटागॉन हो गया आपका, रेगुलर है मतलब सब एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है, 5 एंगल, तो एक्स ले लो, 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 ठीक है। और टोटल इनका मेजरमेंट कितना होता है पेंटागॉन का, पेंटागॉन का टोटल मेजरमेंट आपका होता है 360 डिग्री, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो,
तो फिर एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल मतलब एक लाइन जाएगी यहाँ से, इसको फाइंड करना रहेगा। तो ये वाला एक्स मिल जाएगा तो लीनियर एंगल इन लीनियर पेयर ये हो जाएगा, तो उससे ये भी फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो एकदम रेगुलर है तो नाम ले लो ए बी सी डी ई। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 अपॉन 5 दैट इज 72 डिग्री। तो आपका ये आ गया 72 डिग्री, ये भी आ गया 72 डिग्री। फिर उसके बाद लास्ट में सबका लिख दो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करोगे, इसको नाम दे दो यम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी ए एम प्लस एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आया, दिख रहा है ना, चलो ये हो जाएगा एंगल इन अ लीनियर पेयर। ये किसमें था, लीनियर पेयर में था, इसे हम लोग ने ऐसा लिखा, वरना ऐसी गुस्ताखी नहीं करते। तो 72 डिग्री है और बी ए एम एक्सटीरियर एंगल है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 72। ठीक है, तो 108 डिग्री आ जाएगा इसके एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट, इंटीरियर आ जाएगा 72 डिग्री। समझा, वैसे हेक्सागन का भी करना है, कर लो 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन तो अच्छा बना। चलिए x प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब 6x होगा इसमें, 6x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री आ गया तो ये हो जाएगा 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, सेम इसी मेथड से निकाल लेना। फिर सेप्टागॉन की बात करते हैं, सेप्टागॉन में 7x होगा इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 7 आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 180 माइनस 360 अपॉन 7 कर देना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। चलो ये वाला कर देता हूँ, 187 जो कितना होता है, 187 जो 120, 1260 माइनस 360 अपॉन 7 ये हो जाएगा आपका 900 अपॉन 7, 900 अपॉन 7 एक्सटीरियर एंगल रहेगा, 360 अपॉन 7 इंटीरियर एंगल रहेगा। ठीक है, ऑक्टागन हो गया मतलब 8x इज इक्वल टू 360, फिगर बना के आपको प्रॉपर करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फटाफट करा दे रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री इंटीरियर हुआ तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 45 ये हो गया 135 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल, 45 हो गया इंटीरियर एंगल। इस तरीके से करना है इसको, कितना जल्दी हो गया देखो। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बुक में लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग ये वाली मेजरमेंट पता है ना कैसे आया, पहले हम लोगों ने इंटीरियर फाइंड किया। चलो एक सेप्टागॉन बना देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके का होगा 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, इससे और इससे लीनियर पेयर बना के, ऑक्टागॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से होगा। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ का हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि ये 45 डिग्री आया, रेगुलर था तो सबको कॉन्ग्रेंट था, तो इसको लीनियर पेयर से 135 डिग्री आया। ठीक है, चलो अब लिख लो इसको, फिर करते लास्ट क्वेश्चन, वो भी काफी इजी है। अभी इसमें आप लोगों को एंगल फाइंड करना है घड़ी के, यहाँ पे भी मेरे एक घड़ी है, ठीक है, टाइम देखने के लिए यूज करता हूँ। तो घड़ी की सुई, घड़ी होती कैसी है सर, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। घड़ी ऐसी होती है, इतनी भी ज्यादा सर्कुलर नहीं होती है, कुछ ज्यादा वो सर्कुलर होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है, उसमें एक छोटी सी सुई होती है जो घंटा बताती है, और एक बड़ी सी सुई होती है जो मिनट बताती है, एज यू विल बी नोइंग। ठीक है, सेकंड की सुई हमें यहाँ पे नहीं यूज करनी है, हमें फाइंड करना है एंगल कितना होगा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में। यहाँ पे हैंड बोला है, हाथ बोला है, बट हम लोग सुई कंसिडर कर रहे हैं, आखिर हम इंडियन है। चलिए, पहला है 10 past 11 मतलब समझता है क्या, मतलब 11:10 10 past 11 मतलब 11:10 तो यहाँ पे 11:10 तो ये घंटे वाली सुई 11 पे रहेगी या थोड़ा आगे निकल जाएगी, थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि ये 10 पे पहुंच गई। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, तो इन दोनों का बीच का अगर हम लोग देखें तो क्लॉक जो होता है वो टोटली 360 डिग्री का होता है, ये तो मालूम होगा। तो 5-5 मिनट पे जो एंगल बनता है, मतलब 2 से 3, 3 से 4 वो कितना हो जाएगा, टोटल 12 है, तो 360 अपॉन 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री होता है, तो ये चीज आपको मालूम रहनी चाहिए। ठीक है, कि एक घंटा जो होता है, एक आवर जो होता है वो होता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो अभी 10 मिनट कितने डिग्री का होगा, तो 10 मिनट अगर इसको मैं घंटे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 10 × 6 करूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा 30 डिग्री, तो 6 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, किस तरीके से रिलेशन आया वो बता रहा था, तो 30 अपॉन 6, तो जो 10 मिनट होता है वो इक्वल होता है 5 डिग्री के, ऐसे क्वेश्चन आपको MCQ में पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया 60 डिग्री टोटली, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 प्लस 30, 10 मिनट पास्ट हो चुके हैं,
तो यहाँ 12 और 11 के बीच में से हम लोग 30 डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि 10 मिनट क्रॉस हो गया है, तो 5 डिग्री माइनस करके लेंगे तो प्लस 25 डायरेक्टली आपको 85 डिग्री लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, एक और करा देता हूँ, बाकी सब आप लोग खुद कर सकते हो, बहुत ईजी है। चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है। आपकी बार गोला और भी अच्छा नहीं बना है। तो इसमें बोला 20 past 7 मतलब 7:20, ठीक है। तो 7:20 है तो 4 पे सुई जाएगी मिनट वाली और 7 से थोड़ा सा आगे रहेगी ये वाली, तो ये 30 मतलब ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोई स्टेप खास लिखने की इसमें जरूरत है नहीं आपको। प्लस 20 past 7 है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, 20 past 7 7:20, ठीक है। तो 20 मिनट मतलब ये दो आगे बढ़ी है, ठीक है। 20 मिनट मतलब 10 मिनट का 5 डिग्री, तो 20 मिनट का 10 डिग्री, योग्य 10, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। इस तरीके से आपको फाइंड करना है। रिलेशन बता याद रखो, 10 मिनट होता है 5 डिग्री, एक घंटा होता है 30 डिग्री और 10 मिनट होता है 5 डिग्री। ये रिलेशन याद रखो और टोटल जो होता है वो होता है 360 क्योंकि क्लॉक एक सर्कल है। चलिए इस तरीके से आप लिख लीजिए और बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। तो इसके साथ आई रेस्ट माई केस। इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म हुआ। अगले लेक्चर में एक शॉट में प्रैक्टिस सेट 1.2 भी कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।